आज का वीडियो हमारी पोएम है क्रॉसिंग द बार करके। ठीक है, बहुत ही मैं बोलूँगा ये एक अच्छी पोएम है और बहुत ही डीप मीनिंग है इस पोएम का। डेथ के ऊपर है ये पोएम, ठीक है, डेथ के ऊपर है। चलिए लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं इस पोएट के बारे में, पोएट जो ऑथर हैं कौन है। पोएट हैं जिसके एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अब ये पोएम इन्होंने लिखी क्यों है, इसका मतलब क्या है, क्रॉसिंग द बार का थोड़ा सा ये जान लेते हैं, बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, ये पोएम इन्होंने लिखी थी तब ये इनकी एज हो गई थी 80s में थे। ठीक है, अब आप सोच लो 80 साल के ऊपर के थे ये, तो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, बुजुर्ग थे। इनको कोई बीमारी हो जाती है और उस बीमारी से ठीक होते हैं। तो जब ये बीमारी से ठीक होते हैं तो इनको एहसास होता है डेथ मेरे काफ़ी करीब है। तो इनको डेथ का ना एक गहरा एक एहसास होता है, जो डेथ होती है उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि अब मेरी मौत करीब है। ठीक है, तो ये पोएम लिखी थी, उसके 3 साल बाद ये मर जाते हैं। अब ये पोएम में ये बता रहे हैं, जो अब देखो आप समझ में आएगा ये बार क्या है, मतलब ये बार की बात क्यों कर रहे हैं। बार एक्चुअल में यहाँ पे सैंड बार है, ये जो बार की बात कर रहे हैं ये सैंड बार है। सैंड बार क्या होता है, ऐसा होता है मिट्टी होती है सब जगह, पानी के पास का एरिया होता है, मिट्टी मिट्टी होती है, समुद्र के पास का एरिया। ठीक है, समुद्र के पास का एरिया सी के। तो सैंड बार जनरली इस पोइम में जो बता रहे हैं पोएटी कह रहे हैं, एक साइड पे सी है, एक साइड पे है रिवर और बीच में है मिट्टी, जिसको ये बोल रहे हैं सैंड बार। अब रिवर को इन्होंने सिग्निफाई किया है लाइफ से और सी को कह रहे हैं डेथ से। ठीक है, तो अभी पोएट जिंदा है, पोएट यहाँ पे है, पोएट कहाँ है, ये पोएट है, तो पोएट अभी जिंदा है। अब पोएट कह रहा है लेकिन मैं मरने वाला हूँ, पोएट कहता है मुझे लाइफ डेथ अपनी दिखाई दे रही है, 80 से ऊपर साल का है, बुजुर्ग हो चुका है, इसे लगता है कि डेथ इसके क्लोज आ रही है। अब लेकिन जब डेथ तक इसे पहुंचना है, अभी ये इस साइड पे है, तो इसको ये बार क्रॉस करना पड़ेगा, ये छलांग लगानी पड़ेगी, इसको जंप करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा इस बीच वाले बार को। लाइफ में और डेथ में वो कह रहे हैं बीच में एक बार है और मुझे करेज करके, मुझे हिम्मत करके ये बार को क्रॉस करना है। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये पूरी पोएम है, इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है लाइफ के ऊपर, डेथ के ऊपर रिफ्लेक्शन है। फिर ये बताते हैं कि मुझे इतना करेज चाहिए कि मुझे इस बार को क्रॉस करना पड़ेगा, एक बीच में बार है लाइफ और डेथ के बीच में। ठीक है, तो ये मतलब है क्रॉसिंग द बार का। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम पोएम देखते हैं। ये देखो, ये भी मैंने एक थोड़ी सी क्लोज आपको दिखाई है पिक्चर कि सैंड, ये जो बार है बार कैसा होता है, ये सैंड बार है। देखो मिट्टी मिट्टी है, एक साइड पे आप समझ लो यहाँ पे ये रिवर है और इस साइड पे समुंदर है। ठीक है, रिवर छोटी होती है, समुद्र बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी ये इधर खड़े हैं लाइफ साइड पे, इधर डेथ है, तो इन्हें इसको क्रॉस करना है तब ये इधर पहुंचेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं स्टार्टिंग में, सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी। ठीक है, अब देखो ये किसको पोएट कह रहा है कि जो जो सन है, सन तो डूब चुका है। ठीक है, सनसेट जो सन है वो डूब चुका है, इवनिंग स्टार भी ये सन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि सन डूब चुका है और वन क्लियर कॉल फॉर मी, मुझे एक पुकार आ रही है। अब एक्चुअली मतलब क्या है कहने का, देखो सनसेट का मतलब होता है एक तरीके से बोल रहे हैं कि जो इनकी लाइफ है वो खत्म हो रही है और डेथ इनकी क्लोज आ रही है, इसका कहने का मतलब ये है। कहते हैं जो मेरी जिंदगी का जो सूरज है वो डूब चुका है। मैंने बोला था ना ये डेथ के ऊपर पोएम है पूरी, ये अपनी डेथ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, डेथ के बारे में सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं, पोइट कह रहा है कि मेरी जिंदगी का जो सूरज है वो डूब चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सनसेट का मतलब इनका यहाँ पे है कि सूरज डूब रहा है, मतलब इनकी जिंदगी का सूरज डूब रहा है, ये कह रहे हैं पोइट। वो कह रहे हैं मेरी जिंदगी का सूरज डूब रहा है, डेथ मेरे क्लोज है और एक मुझे पुकार आ रही है। पुकार कहां से आ रही है, वो जो डेथ की पुकार है, ठीक है, वो जो दूसरी दुनिया है डेथ वाली, वो उनको पुकार रही है, इनकी डेथ क्लोज है, ये मतलब है कहने का। एंड मे देयर बी नो मोर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। मतलब क्या है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि कोई रोना धोना नहीं होना चाहिए। मोर्निंग ऑफ द बार का मतलब क्या है, ये देखो मैंने बोला था ना आपको, ये बार है सैंड का बार। वो कह रहे हैं कि जब मैं इधर से इधर जाऊंगा, जब मैं मरूंगा, तो ये जो बार है बीच में, ठीक है, मोर्निंग ऑफ द बार का मतलब ये कह रहे हैं कि जब मेरी मौत होगी तो उस पर कोई रोना धोना नहीं होना चाहिए, मेरी जो डेथ है वो पेनफुल नहीं होनी चाहिए, कोई रोना धोना ना हो मेरी डेथ पे। ठीक है, मोर्निंग ऑफ द बार का मतलब यही है कि जब ये मरेंगे, लाइफ से डेथ की तरफ जाएंगे, इस बार को क्रॉस करेंगे, तो कोई रोना धोना नहीं होना चाहिए, मेरी डेथ कोई पेनफुल नहीं होनी चाहिए। व्हेन आई पुट आउट टू सी, ठीक है, तो यही है ना, जब ये बार को क्रॉस करेंगे, पुट आउट टू सी का मतलब ये इधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ क्या है, सी की तरफ क्या है, सी को किससे ये पोइम में इन्होंने दिखाया है। ठीक है, सी का मतलब इनका डेथ है यहाँ पे।
ठीक है, बार का मतलब ये जो बीच का हिस्सा है लाइफ और डेथ का, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जब व्हेन आई पुट आउट इनटू सी, जब मैं मरूं इधर की तरफ जाऊं, जब मैं लाइफ से डेथ की तरफ जाऊं, तो बीच में कोई रोना धोना नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई मेरी डेथ जो है वो पेन पेनफुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा जैसे मोस्टली क्या होता है, डेथ हो जाती है तो हम बहुत परेशान होते हैं, रोते हैं, ठीक है, बहुत पेनफुल होती है। वो कहते हैं मेरी डेथ पेनफुल ना हो, ठीक है। तो ये मतलब है, बट सच अ टाइड एज मूविंग सीम्स अस्लीप टू फुल फॉर साउंड एंड फोम। वो कह रहे हैं मतलब यहाँ पे भी इनका यही है बार बार कहने का, वो कह रहे हैं कि जो टाइड से मतलब क्या है, अभी यहाँ पे टाइड का मतलब यहाँ पे इनका ये है करेज, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मेरे को ना करेज चाहिए। करेज क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ से इधर की तरफ इधर क्रॉस करने के लिए, ठीक है, इन्हें क्या चाहिए? इन्हें चाहिए करेज। इसको जंप करना है, क्रॉस करना है बार को, तो डेथ को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। वो कह रहे हैं मुझे डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे करेज चाहिए। तो टाइट का मतलब यहाँ पे इनका करेज से, ठीक है। टू फुल फॉर साउंड एंड फोम मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि मैं डेथ को एक्सेप्ट करूँगा, मुझे कोई बहुत ज़्यादा इतना रोना नहीं है, ठीक है। वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो पार्ट ऑफ रियलिटी है, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं करेज लेके आऊँगा अपने अंदर, मैं इसे क्रॉस करूँगा बार को, और मैं अपनी डेथ को एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। फिर कहते हैं व्हेन दैट विच ड्यू फ्रॉम आउट द बाउंडलेस डीप टर्न्स अगेन होम। अब क्या कह रहे हैं? देखो ये कह रहे हैं, अब एक्चुअली में देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, ये इनका कहने का मतलब है, देखो क्या होता है, जैसे सन है, ये पानी है, सॉरी नीचे, तो पानी क्या होता है, पानी ऊपर जाता है, धूप पड़ती है, पानी ऊपर चला जाता है, ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है, फिर यहाँ पे क्लाउड बन जाता है, क्लाउड बनता है, नहीं बनता है, फिर वापस बारिश हो जाती है, फिर वापस पानी इसमें आ जाता है, पानी नीचे की तरफ आ जाता है। भाई यहाँ पे मान लो समुंदर है, समुंदर का पानी ऊपर जाएगा, इवेपोरेट होगा गर्मी में, क्लाउड बन जाएगा, फिर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो वापस बारिश हो जाएगी, नीचे पानी आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भी जैसे कि जैसे उन्होंने बोला पानी ऊपर जाता है और फिर वापस वहीं आ जाता है, ऐसे ही मेरा भी टाइम हो गया है, तो जहां से मैं आया था मैं उसी दुनिया में वापस जा रहा हूं। देखो लाइफ से पहले क्या थी, लाइफ से पहले वो थे नहीं। वो कह रहे हैं जहां से मैं आया था मैं वहीं पे वापस जा रहा हूं, मेरा टाइम आ गया वापस रिटर्न करने का। जैसे ये पानी की ड्रॉप होती है, रिटर्न करती है वापस इधर की तरफ, क्लाउड बन के वापस रिटर्न करती है ना, साइकिल बनती है पूरी, वापस रिटर्न हो जाती है पानी। पानी की ड्रॉप यहाँ से स्टार्ट हुई थी समुंदर से, वापस ही समुंदर में आ जाती है फिर बारिश के थ्रू, ठीक है। तो वो कह रहे हैं मेरा भी वही टाइम आ गया जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी लाइफ, जिंदा होने से पहले जहाँ से मैं आया था, जिस दुनिया से मैं आया था उसी दुनिया में अब मैं वापस जा रहा हूँ। इसलिए कह रहे हैं व्हेन दैट ड्रू फ्रॉम आउट द बाउंडलेस डीप टर्न्स अगेन होम, ठीक है, वापस मैं उसी होम की तरफ जा रहा हूँ जहाँ से मैं आया था मरने से पहले, जिंदा रहने से पहले, जहाँ से मैं जिस दुनिया से मैं आया था इस दुनिया में, उसी दुनिया में अब मैं वापस जा रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब है इनका। टॉयलेट एंड इवनिंग बेल एंड आफ्टर दैट द डार्क। अब देखो टॉयलेट हो रही है, वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से की थी इन्होंने, कि सनसेट हो गया था, वो कह रहे हैं सनसेट भी हो गया मतलब मेरी जिंदगी का सूरज डूब भी गया। अब टॉयलेट का टाइम है, टॉयलेट कब होता है? जब सन डूब जाता है तो उसके बाद आप देखोगे डस्क का टाइम होता है, जब सन डूब जाता है तो उसके टाइम पे डस्क का टाइम होता है, जो डस्क का टाइम होता है वही टॉयलेट होता है। बिल्कुल अंधेरा होता नहीं है, अंधेरे से थोड़ा सा सन डूब चुका है और अंधेरे से थोड़ा सा पहले का टाइम है, उसको डस्क के टाइम को टॉयलेट बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं टॉयलेट एंड इवनिंग बेल एंड आफ्टर दैट द डार्क, वो कह रहे हैं कि अब मेरी जिंदगी का सूरज धीमे धीमे डूबा, और अब सूरज तो मेरी जिंदगी का डूब गया लेकिन अब मैं बीच में हूं, ठीक है, अभी मेरी डेथ हुई नहीं है तो मैं बीच में हूं। तो अब क्या है, डस्क वाला टाइम आ गया है, सूरज मेरा डूब गया है, अंधेरा हुआ नहीं है, अभी मैं बीच में हूं, डस्क वाले टाइम में हूं। अब इसके बाद जब ये टॉयलेट खत्म हो जाएगी, जब ये डस्क का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब डार्कनेस ही डार्कनेस है। डार्कनेस मतलब क्योंकि डेथ हो जाएगी, तो डेथ को यहाँ पे वो डार्कनेस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। डेथ को किसे डिनोट कर रहे हैं? डार्कनेस से। वो कह रहे हैं जब अभी मैं मरा नहीं हूं, सूरज भले ही मेरी जिंदगी का डूब रहा है, डूब चुका है, लेकिन अभी मैं डस्क वाले पीरियड में हूँ, और जैसे ही मेरा डस्क वाला पीरियड एंड होगा, टॉयलेट वाला पीरियड एंड होगा, तो क्या हो जाएगा, आगे डार्कनेस आ जाएगी, आगे डेथ आ जाएगी। इन्होंने डार्कनेस को डेथ से रिफ्लेक्ट किया है, डिनोट किया है, ठीक है। एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क। वो कह रहे हैं कि जब मैं मरूं, ठीक है, तो कोई सैडनेस नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे लोग आदमी मरता है तो क्या होता है, बट सैडनेस हो जाती है, घर वाले उदास होते हैं, बट एक नेचुरल प्रोसेस है, हर आदमी उदास होता है। वो कहते हैं कि
मेरी जो फेयरवेल है उसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो बड़ी खूबसूरत लाइन है, वो कहते हैं कि मेरी मरने पे कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्हेन आई एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब होता है नई स्टार्टिंग करना, बिगनिंग, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब मेरी एक नई दुनिया स्टार्ट होने जा रही है। तो कह रहे हैं अगर मैं मर रहा हूँ तो उसमें दुख दुख मनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरी एक नई दुनिया स्टार्ट होने जा रही है मरने के बाद। वो आफ्टर लाइफ में एक तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो बिलीव करते हैं, ठीक है, ये क्रिश्चियन थे। और यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, ठीक है, इनका यहाँ पे एक रिलीजियस बिलीफ दिखाई दे रहा है कि कहते हैं कि मेरी डेथ पे मरने मेरे मरने पे दुखी आपको होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक नई दुनिया स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं मरने के बाद मेरी एक नई दुनिया स्टार्ट होगी, आफ्टर लाइफ स्टार्ट होगी, आफ्टर लाइफ में बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये कहते हैं फॉर दो फ्रॉम आउट अवर बॉर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस द फ्लड में बियर मी फार, वो कह रहे हैं अब मैं एक ऐसी दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ पे टाइम और प्लेस के बियॉन्ड है। देखिए टाइम प्लेस ये सब क्या है, ये इसी दुनिया के हमारे नोटेशंस हैं, हम बोलते हैं कि ये टाइम हो रहा है, ये प्लेस है, ठीक है। तो एक्चुअल में देखिए, आप देखिए सारे रिलीजन्स में आफ्टर लाइफ को माना जाता है, ठीक है, दुनिया के सारे रिलीजन्स में कोई भी रिलीजन हो आफ्टर लाइफ को मानते हैं, ठीक है। और आप देखिएगा स्टार्टिंग में तो आप देखेंगे बहुत लोग कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं किसी चीज़ को नहीं मानता, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा क्लोज आता है ना, लाइफ में आपके हार्डशिप्स आती हैं, लोग वापस भगवान को मानना और रिलीजन को मानना शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक होती है आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ मतलब वही डेथ के बाद की लाइफ है, ठीक है, एक होती है जब हम जिंदा होते हैं, जब हम अलाइव होते हैं, ये लाइफ होती है। तो जब हम जिंदा होते हैं तो हम बाउंड होते हैं टाइम से, प्लेस से और स्पेस से, इन तीनों चीजों से हम बाउंड है। लेकिन जैसे ही आप मर जाते हैं तो वो एक अलग ही दुनिया है, वो आपकी सोल की दुनिया है, ठीक है, आत्मा इन चीजों से अफेक्टेड नहीं है, टाइम से, प्लेस से या स्पेस से। ये सारे के सारे हमें रिलीजियस टीचिंग्स में भी ये चीज समझाई जाती है कि जो आत्मा होती है वो टाइम से, स्पेस से या प्लेस से बाउंडेड नहीं है, ठीक है, वो वापस हम अपने क्रिएटर के पास चले जाते हैं, हम यूनिवर्स की पावर में मिल जाते हैं, हम हायर पावर के पास चले जाते हैं, और वो जो रेल्म है, वो जो डायमेंशन है, वहीं पर वो सोल का डायमेंशन है, ठीक है, वो गॉड का डायमेंशन है, ठीक है। तो वहाँ पे ये स्पेस टाइम नहीं है। तो ऑथर यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ बियॉन्ड टाइम और स्पेस के डायमेंशन में, ठीक है, और ये वो जो फ्लड है, फ्लड किस चीज़ का, ठीक है, किस फ्लड की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये वाला जो फ्लड, जब मैं इधर से इधर जंप लगाऊंगा, बार को क्रॉस करूंगा, वो मुझे आगे तक लेके जाए, ठीक है। आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस, पायलट का मतलब यहाँ गॉड से है, वो कह रहे हैं कि मैं मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ईश्वर से, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये एक गॉड को काफी मानते हैं, रिलीजियस हैं, ठीक है। वैसे इनका जो रिलीजन है वो ये क्रिश्चियन थे और ये गॉड में बिलीव करते हैं, ठीक है, ये हमें इस पोइम से साफ साफ नज़र आ रहा है, गॉड में इनका विश्वास है। और ये अच्छी चीज़ है कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ग्रेसफुली पीसफुली डेथ को, क्योंकि ये मान रहे हैं कि अब मैं गॉड के पास जाऊंगा, अब गॉड मेरी टेक केयर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पायलट वर्ड क्यों यूज़ किया गया है गॉड के लिए, देखिए पायलट क्या करता है, पायलट एरोप्लेन को कंट्रोल करता है, इसी तरीके से कहते हैं गॉड जो है वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं। इस दुनिया कौन चला रहा है, इस दुनिया को भगवान चला रहे हैं, ठीक है, तो भगवान इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने पायलट से गॉड को कंपेयर किया है कि जैसे एक पायलट एरोप्लेन कंट्रोल करता है, ऐसे ही जो भगवान है वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो कहते हैं मरने के बाद मैं आशा करता हूँ, मैं आई होप कि मेरे को जो मेरे भगवान है, जो मेरा क्रिएटर है, जिसने मुझे बनाया, मैं उसको फेस टू फेस देखूँ, ठीक है, कब देखूँ, व्हेन आई हैव क्रॉस द बार, क्रॉस द बार मतलब वही मरने के बाद, क्योंकि जब वो बार क्रॉस करेंगे तो क्या मतलब है, उनकी डेथ हो गई है। तो कह रहे हैं मरने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं भगवान से मिलूं, उनके साक्षात दर्शन दर्शन करूं और फेस टू फेस उनसे मेरा मुलाकात हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक यहाँ पे इन्होंने इस पोइम में डेथ को रिफ्लेक्ट किया है, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इस पोइम में ये भी दिखाया गया है कि डेथ को उन्होंने बहुत पीसफुली एक्सेप्ट किया है, ठीक है, और इससे डेथ से कोई ऐसा घबरा नहीं रहे, और ये बोल रहे हैं कि कोई सैडनेस भी नहीं होनी चाहिए मेरी मेरे मरने पे, ठीक है। तो ये करेज भी दिखा रहा है कि ये करेजियस पोएट है। और फिर इसमें हमें इनका बिलीफ दिखाई दिया है आफ्टर लाइफ में, भगवान में, और एक रिलीजियस बिलीफ भी सामने आता है। तो गाइज ये थी पोएम, अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।